वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी 2019 को देखते हुए मॉडल पेपर फिफ्थ, यानी कि आपका मॉडल पेपर फाइव्थ है, आप पांचवा है। तो प्लीज़ आप जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मॉडल पेपर ज़रूर देखिए, और ये आपका पिछली परीक्षा पर आधारित होगा। और ये फिफ्थ मॉडल पेपर का पहला फर्स्ट लेक्चर है जनरल अवेयरनेस का। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें। और जो भी आपको सुझाव देना, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी पिंड को नमकीन पानी में रखने पर इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा। यदि किसी पिंड है उसको नमकीन पानी में रखने पर इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा क्या अंतर आएगा, यानी कि हम जो है नमकीन पानी में रखें किसी पिंड को और जो है किसी शुद्ध जल में रखें, तो उन दोनों में अंतर क्या होगा। तो पिंड की स्थिति उसके डूबने के तरीके पर निर्भर करेगा, यह अधिक गहराई तक डूब जाएगा और यह कम गहराई तक डूबेगा, या दोनों ही स्थितियों में समान रहेगा और यह अधिक गहराई तक डूब जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, यह अधिक गहराई तक जो है डूब जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि किसी पिंड को नमकीन पानी में रखने पर इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा जो है, यानी नमकीन पानी में कोई वस्तु है उसी को जो है हम शुद्ध जल में रखें और फिर नमकीन पानी में रखें, तो नमकीन पानी में ज़्यादा गहराई तक डूबेगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो डिटेल्स आपके सामने है कि किसी पिंड को नमकीन पानी में रखने पर इसकी स्थिति में शुद्ध जल की अपेक्षा यह अंतर आएगा कि पिंड शुद्ध जल में अधिक गहराई तक डूब जाएगा, क्योंकि शुद्ध जल का घनत्व क्या होता है, नमकीन पानी की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है, शुद्ध जल का घनत्व जो है नमकीन पानी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जो है शुद्ध जो है नमकीन पानी में ये जो है वस्तु ज़्यादा जो है गहराई तक डूबेगा। ये है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन है। पहला ऑप्शन है चीनी विलयन, सिरका विलयन, पेंट विलयन और कीचड़ युक्त पानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, पेंट जो है आपका कोलाइडी विलयन है। पेंट क्या है, कोलाइडी विलयन है। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। डिटेल्स आपके सामने कि पेंट जो है, पेंट एक कोलाइडी विलयन है और कोलाइडी विलयन एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से समान रूप से परिक्षेपित होती है। तो ये है आपका पेंट का, पेंट एक क्या है, कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन एक क्या है, रासायनिक मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है। रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर नील दर्पण के लेखक हैं, दादा भाई नौरोजी इंडिया अर्नेस्ट के लेखक हैं, दीनबंधु मित्र गोदान ये जो है गोदान के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, रमेश चंद्र दत्त जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं, बाकी सभी का गलत है, सभी का मतलब जो है सही नहीं है, केवल एक ही सही है, रमेश चंद्र दत्त का जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये आपका पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, तो डिटेल्स आपके सामने इस क्वेश्चन का कि रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण के लेखक हैं और प्रेमचंद गोदान के हैं, वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडिया अनरेस्ट के हैं। तो ये है इनका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यानी दक्षिण में गंगा नदी कहा जाता है गोदावरी नदी को। तो यह है इस प्रश्न का आंसर। अब इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। गोदावरी नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है और इसका जो उद्गम पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियों में स्थित त्रिंबक पर्वत से हुआ है। गोदावरी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से होकर बहती है। गोदावरी महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से होकर बहती है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके शासनकाल के दौरान मंत्रिपरिषद को
अष्ट प्रधानमंडल के नाम से जाना जाता था। किसके शासनकाल के दौरान मंत्री परिषद को अष्ट प्रधानमंडल के नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है मराठा काल, गुप्त काल, मौर्य काल और काकतीय काल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, मराठा काल के दौरान मंत्री परिषद को अष्ट प्रधानमंडल के नाम से जाना जाता था। अब इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो मराठा काल में मंत्री परिषद को अष्ट प्रधानमंडल के नाम से जाना जाता था और मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता था और अष्ट प्रधान मंडल में राज्य के 8 सर्वोच्च मंत्रियों को शामिल किया जाता था। इस कारण इसे जो है इस समूह को क्या कहते थे, अष्ट प्रधान कहा जाता था, यानी कि इसमें 8 सदस्य होते थे इसलिए इसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। और पेशवा या प्रधानमंत्री सामान्य प्रशासन की देखरेख करते थे, पेशवा या प्रधानमंत्री सामान्य प्रशासन की क्या करते थे, देखरेख करते थे। तो ये है इस प्रश्न की डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है, विनोबा भावे जो है सर्वोदय आंदोलन के शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे, विनोबा भावे। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति विनोबा भावे थे और इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। भूदान यज्ञ के जनक, सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता व भारत के स्वराज आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे के अनुसार सर्वोदय का अर्थ था सबका उदय सबका विकास, सबका उदय सबका विकास। और सर्वोदय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मसंयम, शोषणहीन समाज, सर्वांगीण विकास, लोकनीति के आधार पर शासन तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना था। यह इसका डिटेल, सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान में किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण का सम्मन जारी करने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान में किसे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का सम्मान जारी करने का अधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को, केवल सर्वोच्च न्यायालय को और केवल उच्च न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को जो है भारतीय संविधान जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण का सम्मान जारी करने का अधिकार दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को बंदी प्रत्यक्षीकरण का सम्मान जारी करने का अधिकार दिया गया है और भारतीय संविधान में 5 न्यायिक रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रीट, प्रतिषेध रीट और उत्प्रेक्षण लेख तथा अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोरा गुफाएं कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आंध्र प्रदेश को बोरा गुफाएं जो है स्थित है, आंध्र प्रदेश में बोरा गुफाएं स्थित है। अब इस क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो बोरा गुफाएं जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश में स्थित ये गुफाएं विशाखापट्टनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और इन गुफाओं में गाय की मूर्तियों के साथ प्राचीन काल शिवलिंग भी स्थित है और इन गायों को कामधेनु कहा जाता था तथा इन गुफाओं में स्थित शिवलिंगों की पूजा आज भी आदिवासी लोग करते थे। तो ये इस प्रश्न का डिटेल्स, क्या था, इन गुफाओं में गायों की मूर्तियों के साथ जो है प्राचीनकालीन शिवलिंग भी स्थित है और इन गायों को कामधेनु कहा जाता था तथा इन गुफाओं में स्थित शिवलिंगों की पूजा आज भी आदिवासी लोग करते हैं। तो बोरा गुफाएं जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान m है तो चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? 6m होगा, m/6 होगा या m+6 होगा या सिर्फ m होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, m/6 होगा। यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर m/6 होगा, यानी कि 1/6 होता है चंद्रमा पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का। ठीक है, पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान होगा उसका द्रव्यमान जो है आपका चंद्रमा पर 1/6 भाग होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड।
अब इसके रिडल्स के बारे में बात करते हैं। तो यदि पृथ्वी की पर किसी पिंड का द्रव्यमान m है तो चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान m बटे 6 होगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 होता है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुंबक की ओर आकर्षित होता है? निम्नलिखित में से कौन जो है चुंबक की ओर आकर्षित होता है? पहला ऑप्शन है लौह सल्फाइड, गंधक, लोहे का बुरादा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, लोहे का जो बुरादा है वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। लोहे का बुरादा जो है क्या होता है, चुंबक की ओर आकर्षित होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो लोहे का बुरादा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, और चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और चुंबक में आकर्षण केवल इसके दोनों सिरों पर ही होता है, इसलिए चुंबक के इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। चुंबक के इन सिरों को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ल्यूकोडर्मा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ल्यूकोडर्मा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ल्यूकोडर्मा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है त्वचा, हृदय, किडनी, फेफड़ा। तो ल्यूकोडर्मा जो है शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो ल्यूकोडर्मा हमारे शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है, और ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो सफ़ेद दाग में शरीर के किसी भी भाग या त्वचा पर सफ़ेद धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक शरीर पर बने रहते हैं, और इससे शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो सकता है। तो यह है इस प्रश्न की डिटेल्स। क्या होता है, ल्यूकोडर्मा हमारे शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है, और ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो सफ़ेद दाग जो होता है आपका शरीर के किसी भी भाग या त्वचा पर सफ़ेद धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, जो बहुत लंबे समय तक शरीर पर बने रहते हैं, और इससे शरीर का कोई भी हिस्सा प्रभावित हो सकता है। तो ये इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियमों को लागू किया? निम्नलिखित में से किस संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियमों को लागू किया है? पहला ऑप्शन है IRDA, क्रिसिल, सेबी, RBI। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, IRDA जो है, IRDA संस्था ने जो है जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियमों को लागू किया, IRDA, यानी कि 1 आपका राइट आंसर है। अब इसके रिडल्स के बारे में बात करते हैं। तो IRDA नामक संस्था ने जीवन बीमा कंपनियों के लिए आरंभिक लोक प्रस्ताव नियमों को लागू किया है, और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत है, तथा इसकी स्थापना संसद के अधिनियम IRDA अधिनियम 1999 द्वारा की गई है, और इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में है। तो यह है इस प्रश्न की डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कणिका यानी कॉर्पस्कल्स निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? यानी कि कणिका निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, वैक्सीन, लिम्फ और सीरम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, वैक्सीन कहा जाता है, यानी कि कणिका के निष्कासन के बाद जो रक्त के द्रव भाग को हम क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब इसके डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो कणिका जो कॉर्पस्कल्स निष्कासन के यानी कि कणिका के निष्कासन के पश्चात रक्त के द्रव भाग को हम लिम्फ कहते हैं, और रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है, और रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित उत्तक है। तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें, और जो भी आपको सुझाव देना है आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी आपको सुझाव देना आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट।